press the subscribe button for more recipes. Hit the bell icon for daily recipes. If you like my recipes, thumbs up then. So let's start today's recipe. Assalamualaikum everyone, welcome to Cooking with Abeera Rani. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे आपके साथ हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. विंटर सीजन है और विंटर सीजन में सूप सबकी फेवरेट डिश होती है. तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉट एंड सॉर सूप रेडी करने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 glass वाटर लिया है, 1/2 kg चिकन, 2 cups कैरेट ग्रेट की हुई, 2 cups कैबेज ग्रेट की हुई, 4 tablespoons कॉर्नफ्लोर, 2 eggs, 2 tablespoons सोया सॉस, 2 tablespoons चिली सॉस, 2 tablespoons विनीगर, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon सॉल्ट. सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हॉट एंड सॉर सूप रेडी करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. तो चलें अपना यमी सा हॉट एंड सॉर सूप रेडी करना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें चिकन ऐड कर दूँगी. अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी. ये हम स्टॉक रेडी कर रहे हैं, स्टॉक मीन्स यखनी रेडी कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च ऐड करूँगी. अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको. तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारी स्टॉक अच्छे से रेडी हो जाए. तो मिलते हैं हम 30 मिनट्स के बाद. सो गाइस, 30 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी यखनी जो थी वो अच्छे से रेडी हो चुकी थी और चिकन भी अच्छे से बॉयल हो चुका था. मैंने यखनी में से चिकन निकाल के अच्छे से शेडर कर लिया है और यखनी को हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से कुक कर लिया है. अब हमने जो चिकन निकाल के शेडर किया था, यखनी में हम इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. कैरेट ऐड कर देंगे अब हम इसमें, कैबेज ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हमने जो 4 tablespoons कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी. कॉर्नफ्लोर ऐड करते हुए ध्यान रहे हमें साथ साथ मिक्स करना है इसको अच्छे से. अब मैंने इसमें एग्स ऐड किए हैं, एग्स ऐड करते हुए भी ये ध्यान रहे कि साथ साथ हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है. मुसलसल हम इसको मिक्स करते जाएंगे. अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी, चिली सॉस एंड विनीगर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब मैं इसमें 1 tablespoon ब्लैक पेपर ऐड करूंगी. सो गाइस, हमारा हॉट एंड सॉर सूप अब बिल्कुल रेडी है. आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा सूप रेडी हुआ है. अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे. बहुत ही यमी सा हमारा हॉट एंड सॉर सूप अब बिल्कुल रेडी है. अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए सूप रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सूप भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा. विंटर सीजन में आप इस सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी. बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. एंड फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नेकी सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए होनी चाहिए. अक्सर लोगों को शिकवा करते सुना है कि नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा. हर ज़माना नेकी का ही है, अगर की जाने वाली नेकी के अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखी जाए. मगर हम नेकियों के अजर की उम्मीद लोगों से लगाते हैं और फिर ना उम्मीदी पर शिकवे करते नजर आते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की रेसिपी हॉट एंड सॉर सूप अज्जा. पानी 4 glass, मुर्गी का गोश्त 1/2 kilo, गाजर 2 cup, बंद गोभी 2 cup, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच. शुक्रिया.